थैंक यू अभिषेक। जैसा कि आपने बताया कि अभी यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। और उस 1 महीने में हम कैसे जो है स्ट्रेटजी बनाए कि जो है सबसे पहली बात तो है कि हमारा जो कट ऑफ है नेट और जेआरएफ दोनों का, तो हमें कोशिश करनी है कि जेआरएफ के कट ऑफ के जो है हम बाहर हो जाए ना, इसलिए हमको इस तरीके की जो है रणनीति बनानी। सबसे पहला बात तो यही कहूंगा कि आपने जो भी साल भर पढ़ा है, साल भर या 6 महीने या पिछले 3 महीने से जो भी पढ़ा है, अब कुछ नया पढ़ना बंद कर दीजिए। आप नया पढ़ने से आपको ये होगा कि आप पीछे का जो आपने पढ़ रखा है वो रिविजन भी नहीं कर पाएंगे, और दूसरा नया अब जो आप नया पढ़ेंगे तो उसमें ये श्योरिटी नहीं है कि आप उसको पिन पॉइंटेड ठीक कर पाए। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि नया पढ़ना पहली बात आप बंद कर दीजिए। दूसरा ये है कि जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है 10 साल के या 15 साल के निकाल कर लाइए और उनको सॉल्व करना शुरू करिए। सॉल्व करते समय ये देखिए कि जो क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन का स्तर है, जो उनकी जो जो बनाने की जो 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 लेवल रहा है क्वेश्चंस का, किस कैसे कैसे चेंज हुआ है साल दर साल, वो क्वेश्चन का स्तर किस प्रकार बदल गया। ठीक है, उसमें जो है किस तरीके से जो है फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, क्वेश्चन जो है पहले कितने मॉडरेट थे अब कितने डिफिकल्ट आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किस पीरियड से या किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, तो हमको उसको जो है ध्यान में रखकर जो है अब जो है थोड़ा सा उस पर रिविजन करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो यही मैं कहूंगा कि आप 10 या 15 साल के क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल जो है घोल के पी लीजिए, जितना टाइम्स करना है कर लीजिए उनको। एक बार उनका रिवीजन करिए, एक बार उनको सॉल्व करिए, 2 बार 3 बार, और उनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बहुत लेंदी नहीं, लगभग अगर आप 15 या 20 साल के एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कुल मिला के 50-60 पेज का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसके साथ आप देखिए कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने जो जो टॉपिक को पढ़ रखा है, जिन जिन टॉपिक्स को पढ़ रखा है, और जब आप उन सवालों को कर रहे हैं, अगर वो सवाल आपसे नहीं हो पा रहे हैं तब समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। मतलब जो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ रखे हैं और आप प्रैक्टिस में जाकर के उसको सॉल्व कर रहे हो फिर वो नहीं हो पा रहा है, तो समस्यापूर्ण स्थिति है, समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा मैं कहूंगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मान के चलिए कि पूरे एग्जाम में अगर 100 सवाल आ रहे हैं, सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा 40 सवाल ही आते होंगे, जो एक्यूरेट 40 सवाल आते होंगे। इसके अलावा 60% पेपर आपका जो है इलिमिनेशन मेथड पे जाएगा या फिर तुक्के पे जाएगा। ठीक है, उसमें हम 60% में 30% इलिमिनेशन मेथड, 30 या 40%, और 20% तो तुक्के पर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जो 40% हमको जो पेपर सही करना है उसमें हमको गलतियां नहीं करनी है। वो 40%, वो 40 सवाल हमको बिल्कुल ठीक करने हैं, वो आप ये मान के चलिए आपको पता होने चाहिए कि ये 40 सवाल आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दूसरा जब 60% की बात करते हैं तो 60% में हमको 30 से 40% पर एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, जिसमें हम देखेंगे कि हम 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हटा दे रहे हैं, 2 में हमको जो है उत्तर जो है ऑप्शन लेना है, तो 2 में उसमें अगर हम 30-40% में ऐसे सवाल ले रहे हैं तो आपके 10-15 सवाल वहां से निकल कर आ जाएंगे। तो 40 ये हो गया, 10 और 15 सवाल मतलब ये 50-52 का रेशियो हो जाएगा। बाकी आपके जो 20 सवाल बचेंगे ना, उस 20 सवाल में जो है आप तुक्के लेंगे, तो मान के चलिए कि उसमें आपके जो है 8-10 सवाल निकल कर आएंगे, तो इस तरीके से आप 60 या 62-65 के करीब जो है पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो यूजीसी नेट जेआरएफ का कट ऑफ रहा है वो मेरे हिसाब से 65 और 70% के बीच में रहता है। वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, जैसे हिस्ट्री का बहुत कम जाता है, 58% जाता है, हिंदी का 62-63% जाता है, इस तरीके से जाता है। तो लेकिन ये मेथड अप्लाई करिए आप, और बहुत डरने की जरूरत नहीं है। पता चला आपने देखा कि पेपर जैसे आपने स्क्रीन पे देखा और देखते देखते डर के, अरे मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है कि आपने उसमें नहीं पढ़ा है, वो पेपर ही इस तरीके से आता है कि आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको 40% सवाल ऐसे मिलेंगे जो आप ठीक कर सकते हैं, एक्यूरेट ठीक कर सकते हैं। बाकी 60% पर आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल दिमाग के इस्तेमाल से आप जो है उसमें उस 60% में भी 40% हिस्सा ठीक कर सकते हैं, जो कि आपके जेआरएफ के कट ऑफ तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि
अभी वर्तमान में फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर है उसका बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, उसका रोल बहुत बढ़ गया है। तो अगर आप कॉमन पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका जो कट ऑफ जो क्लियर करने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो जो है बहुत बढ़ जाएगी। तो इसमें एक चीज ये है कि चूंकि कॉमन पेपर है, इसमें जो है कम समय में ज्यादा गेन किया जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट एक स्पेशलाइजेशन का विषय है। सब्जेक्ट में आपको कंटिन्यूअस 6 से 7 महीने पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि एक ह्यूज लेंथी सिलेबस होता है, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं। और फिर यूजीसी नेट जेआरएफ में जो है सब्जेक्ट का एग्जाम जो है स्पेशलाइजेशन का एग्जाम है, तो वहां पर कमांड बनाने के लिए आपको 6 7 महीने चाहिए, लेकिन आप कॉमन पेपर पर कमांड बनाने के लिए सब सिर्फ आपको 1.5 या 2 महीने चाहिए। 1.5 या 2 महीने में आप कॉमन पेपर को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं फिर कॉमन पेपर के भी जो है संबंध में कहूंगा, जिसको आप फर्स्ट पेपर कहते हैं, जिसमें रिसर्च, टीचिंग मेथड, ठीक है, और जो है आपका इन्वायरमेंट, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के कुछ छोटे मोटे एजुकेशन से सवाल, इस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड सवाल, इस तरीके से सवाल जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन पेपर से करिए, बहुत अच्छे तरीके से करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उस पेपर की, फर्स्ट पेपर की, उतने ज्यादा आप नजदीक पहुंचेंगे एक्यूरेसी के। 50 में आप 30 32 35 तक सही करते तो बहुत अच्छा माना जाता है। मेरे हिसाब से यूथ पब्लिकेशन का एक जो है फर्स्ट पेपर का लगभग 10 या 15 सालों का एक उनका कलेक्शन आता है, यूथ पब्लिकेशन का, यूजीसी नेट जेआरएफ करके जो है यूथ पब्लिकेशन के जो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसके थ्रू आप जो है परचेज करके उसमें जो है आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट करिए, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एक्सप्लेनेशन यूथ का देखें, अगर आपको यूथ के अलावा कहीं और भी कुछ मिल रहा है, मान लिया कि हमने तो यूथ इसलिए बता दिया कि मैंने उसको अप्लाई किया था, अगर इसके अलावा आपको कहीं ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जा रहे हैं, एनटीए की वेबसाइट पे मिल जा रहे हैं, तो आप कम से कम 15 साल के पुराने जो है क्वेश्चन पेपर निकालिए, उनको सॉल्व करिए और देखिए कि कहाँ से आपके सवाल फंस रहे हैं, कहाँ किस हिस्से में फंस रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में फंस रहा है, या आपका डीआई में फंस रहा है, या आपका इन्वायरमेंट में फंस रहा है, या आपका रिसर्च मेथड में फंस रहा है, या आपका जो है पॉलिटिकल साइंस जो एजुकेशन से सवाल आते हैं वहां फंस रहा है, या आपका कंप्यूटर पे फंस रहा है। जिस भी हिस्से के सवाल फंस रहे हैं आप उस हिस्से को बहुत अच्छी तरीके से फिर से प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन सफलता की एक ही कुंजी है, प्रैक्टिस जो है आपको बार बार करना है। एक क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कम से कम आपकी 3 टाइम्स होनी चाहिए। तीसरी बार जब आप 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल याद हो जाएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा एक तरीके से, तो आप पकड़ पाएंगे कि टाइप क्या है, किस टाइप पे वो सवाल पूछ रहा है, किस टाइप से सवाल वो क्रिएट कर रहा है, और उसमें जो है आंसर हमको कैसे खोजना है। ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जामिनेशन हॉल में ये सोचकर नहीं जाना है कि आप पेपर को कतई उड़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप बहुत पढ़ के आए हैं और पेपर को कतई जो है बहुत हल्के में लेकर उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो मैं कहूंगा कि आपकी बहुत भारी भूल है। सबसे पहले आपको पेपर को पढ़ना है, पेपर में ये देखना है कि सवाल पूछा गया तो क्यों पूछा गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये यूजीसी में आ रहा है। दूसरा, सवाल पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन चारों देखने हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दबाजी में पहला ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी चारों सही होता है, चारों ऑप्शन सही होते हैं, क्योंकि हमने एक पढ़ रखा है ना। कभी कभी क्या होता है, हम किसी सवाल का जो है सही विकल्प सिर्फ एक ही पढ़कर रखते हैं, लेकिन उसमें कई सारे विकल्प सही होते हैं। तो हमको क्वेश्चन के पैटर्न के साथ, क्वेश्चन पढ़ने के साथ उसके चारों ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं, फिर चारों ऑप्शन पे जो है हमको अपनी कमांड बनानी है कि ठीक है किस तरीके के ऑप्शन है, और फिर हमको उत्तर करना है, फिर उत्तर देना है। तो इस तरीके से जो है चीजें आपको टैकल करनी है यूजीसी नेट के एग्जाम में, ठीक है। हाँ, आप ज्यादा हौच-पौच करने की जरूरत नहीं है, बहुत हौच-पौच करेंगे तो आप जो है जो आपने जो ठीक से पढ़ रखा वहां सवाल गलतियां करेंगे, और वहां सवाल गलत होने का मतलब है सिलेक्शन से, आपके जो कट ऑफ से आपकी दूरी। मैंने बताया ना 40% हिस्सा जो आ रहा है ना, उसमें अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो कट ऑफ नहीं क्रॉस कर सकते, बिल्कुल नहीं क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। ये चीजें हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले इस समय आप सिर्फ जो है सिर्फ रिवीजन करिए, और सिर्फ जो है क्वेश्चन पेपर करिए, और रेफरेंस टेक्स्ट पढ़िए, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का टेक्स्ट मत पढ़िए। हमेशा
आप जो सवाल आपका फंसता है आप उसका एक्सप्लेनेशन रेफरेंस चेक से देखिए, उसके आसपास के जो है कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। कभी कभी क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन वहां से बनता है, दूसरी बार क्वेश्चन उसी के आसपास जो है चैप्टर से आसपास की पेजेस से उठा लेते हैं, तो ये सारी चीजें आप फोकस करिए। ठीक है, थैंक यू अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर। ठीक, शुभ रात्रि।